हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए हमारे पास जो छोटी सिलाई मशीन है, ये जो है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। ये देखो, जैसे हम जो है ना इसको चलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। और ये देखो, ये जो है ना ऐसे अटक भी रही है, और आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि आप जो है ना ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है। तो आज मैं आपको इसको ठीक करके दिखाता हूँ। ये देखो इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो दोस्तों ऐसा होता है, जैसे हम मशीन को चलाते हैं ना, ये देखो जो इस, तो दोस्तों कभी भी जो है ना शटल में धागा नहीं फंसना चाहिए। ये जो है ना जैसे हम चलाते हैं तो मशीन में कभी भी धागा ना फंसे। ये देखो हमने धागा निकाला तो मशीन हल्की हुई थोड़ी बहुत, लेकिन जैसे हम जितनी पुरानी मशीन हो जाती है जो है ना हम ध्यान नहीं देते, और जो है ना हमारी मशीन आवाज़ ऐसे करती चली जाती है तो हमें बहुत परेशानी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा मशीन में कभी भी जो है ना ये कमी ना छोड़े। अगर आप ये कमी आप अपनी मशीन की सुधार लोगे तो जो है ना आपकी मशीन आवाज़ नहीं करने की बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, तो एक तो मैंने आपको बताया शटल में धागा नहीं फंसना चाहिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये यहाँ से बिल्कुल इसको निकाल के यहाँ जो है ना बिल्कुल साफ रहना चाहिए, और तेल हमेशा जो है ना एक बूंद तेल शटल में आना चाहिए ताकि हमारी मशीन सूखी ना चले। ठीक है, और जब भी ये मशीन सूखी चलेगी तभी जो है ना हमारी मशीन आवाज़ करेगी। ये जो है ना जो हत्ती होती है इसकी मशीन की, ये बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। ये देखो जैसे हम इसको चलाते हैं और जो है ना ये बिल्कुल लूज है। ये गरारी देखो, इसकी गरारी भी बिल्कुल सूखी चल रही है, और गरारी के जो पैंच है ना ये भी देखो बिल्कुल ढीला हो चुका है। ये अगर हम अपनी मशीन में ध्यान नहीं देंगे तो हमारी मशीन जो है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी। ये देखो इसकी पिन, जो इसके अंदर पिन होती है ना, देखो ये भी बिल्कुल निकल चुकी है। तो हमें क्या करना होगा, या तो इस हत्ती को जो है ना रिपेयर करनी पड़ेगी, या फिर इसको जो है ना नया बदलेंगे, तब जाके हमारी मशीन की जो है ना आवाज़ बंद होगी, वरना हमें ऐसे लगता रहेगा कि मशीन हमारी कितनी आवाज़ कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो जो अगर आपकी मशीन आवाज़ करती है ना तो ये हत्ती, एक तो ये हत्ती ज़रूर चेक करें, और शटल में कहीं भी धागा ना फंसे, और हमारी मशीन जो है ना कभी भी सूखी ना चले। अगर ऐसे चलती रहेगी तो हमारी मशीन आवाज़ इतनी करेगी और हम उससे परेशान हो जाते हैं। ये देखो, ये देखो। ठीक है दोस्तों, अगर मान लें हमें ये चलानी है तो इसमें भी जो गरारी होती है ना इसको, इसमें यहाँ पर तेल डाल लें। ये देखो, ताकि हमारी मशीन जो है ना सूखी ना चले गरारी। ये ऊपर जो सुराख होता है ना इसका, देखो इसको सुराख को ऐसे किसी चीज़ से खोल लेंगे ताकि जो है ना हमारी गरारी में तेल अच्छे से चला जाए। ये देखो, ये जो है ना इसमें गरारी में ऐसे मशीन को करेंगे यहाँ पर, और जो इसका पीछे का हिस्सा होता है ना यहाँ पर, इसमें तेल डाल लेंगे ताकि हमारी जो है ना गरारी, ये देखो पहले सूखी चल रही थी लेकिन अब हमने तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद क्या होगा, जो है ना जो थोड़ी बहुत आवाज़, ये जो है ना ये देखो, ये तो जो ये जो आवाज़ है ये तो हमें बदल के करनी पड़ेगी ठीक, लेकिन अब इसको जो है ना अगर सूखी चलाते रहेंगे तो ये और ज़्यादा बेकार हो जाएगी और चलने की नहीं। लेकिन तेल का हमेशा ध्यान रखना है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मशीन में तेल ज़रूर डालें, बिना तेल जो है ना, ये देखो जो गज हो गया इसमें, और पूरी मशीन में तेल डालें। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लग जाएगा मशीन आवाज़ कहाँ से करती है। तो इसमें अगर जो है ना अगर आपकी मशीन आवाज़ ज़्यादा करती है तो इन चीज़ों को ज़रूर देखें और अपनी मशीन को अच्छे से ठीक करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।